हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा बेबी सॉक्स डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने 1 साल का बेबी का सॉक्स बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही इजी है। जो लोग अभी अभी क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो इसे आसानी से बना लेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 कलर ले लेते हैं। मैंने ये 2 कलर लिए हैं, आप अपने मन के ले लीजिए। और इस कलर से मैं इसका बेस बनाऊंगी। इस बेस को बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैजिक रिंग बनाऊंगी। मैजिक रिंग बनाने से ये बेनिफिट होता है कि ये जब क्लोज होता है तो आपके सॉक्स में होल नहीं रहता। तो इस वजह से आप जब सॉक्स बनाएं तो मैजिक रिंग का इस्तेमाल करें। इसमें हमें मैजिक रिंग में 10 चैन बनानी है, यानी कि हमें 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। हमें एक जो हम पहली चैन से शुरू करेंगे और लास्ट चैन पर इसे फिनिश करते हुए 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये सॉक्स बहुत ही सिंपल से हैं। इसमें ये बेनिफिट है कि आप अगर अभी अभी सीख रहे हैं या आपको चलाना नहीं आता तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा बनाना। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको आराम से क्लोज़ कीजिए और ये पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा। इसमें छत जरा सा भी होल नहीं रहेगा। अब हम इसको पहली चेन के साथ में अटैच कर लेते हैं। जो हमने पहली चेन बनाई थी उसके साथ हम इसे इस तरह से बनाते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम इसको फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ट्रिपल क्रोशिया में हमको हर एक चैन में डबल चैन निकालनी है, मतलब हमको एक ही चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। हमको यहाँ पर 20 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 10 हमने पहले बनाई थी, अब हम 20 बनाएंगे, यानी कि इसको दुगना कर देंगे। इससे हमारा जो है बेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया को 20 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए हर एक चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना राउंड इसी तरह फिनिश करेंगे। डबल क्रोशिया हर एक चैन में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह बनाइए, आराम से बनाइए और कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे 20 ट्रिपल क्रोशिया होने चाहिए। यहाँ पर हमारा राउंड फिनिश हो गया है। अब हम इसको पहले चैन के साथ में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इसको फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। और अब हम इसको हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया और 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने एक ही चैन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाई। फिर हम इसके आगे वाली चैन में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके आगे वाली चैन में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसके आगे वाली चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि अब हमारे को यहाँ पर 20 के 30 बनाने हैं। 10 बनाए, फिर 20 बनाए, अब हमें 30 बनाने हैं। हमें हर एक चेन में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और हर एक दूसरे चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इससे हमारे यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया और बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारे 30 हो जाएंगे। हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह बनाते हुए। यहाँ पर आते हैं हम बनाकर। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपना कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने की हम ये वाला राउंड बना रहे हैं, 4th राउंड अपना। तो हम इसमें यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। अगर आप एक कलर से बना रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, और डबल लगा रहे हैं तो डबल इस तरह लगाइए, गिट्ठा जोड़ के मत लगाइए। इसको यहाँ पर इस तरह लीजिए और जो आपके चैन है उसके अंदर से निकालते हुए इसे जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। अब हम इसकी फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बना लेंगे। अब हम इसको हर एक चैन में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारी 30 चैन हुई थी और हमें 30 बार ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। ये सॉक्स जो मैं बना रही हूँ इसमें 30 की ही चैन चलेगी शुरू से लास्ट तक। तो यहाँ पर हमें हर एक चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। हर एक चैन में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है।
हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, बस ट्रिपल क्रोशिया आप बनाते जाइए हर एक चैन में। इस तरह बनाइए, सेम बनाइए, कहीं पे ढीला कहीं पे टाइट मत कीजिए, आराम से बनाइए। और ट्रिपल क्रोशिया को हर एक चैन में बनाते हुए हम यहाँ पर 30 ट्रिपल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें 30 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। चलिए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें कलर चेंज करते हुए दूसरा कलर लगाना है और हमको इसका फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं और जोड़ते हुए हम इसे फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम वही करेंगे, हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए फिर हम 30 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाइए और उसको 30 बार बनाइए। हर एक चैन में एक बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाइए और ये 30 बनेंगे। हमेशा चैन गिनते रहिए, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो गिन लीजिए, क्योंकि इस क्रोशिया में कभी भी आप कहीं पर भी मिस्टेक करेंगे वो आपकी न डिज़ाइन कंप्लीट होगी, जो चीज़ आप बना रहे हो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, वहाँ पर झोल आ जाएगा, जाल पड़ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान भी बहुत देना पड़ता है और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप गिन भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह ही राउंड कंप्लीट करेंगे। हमें इसके 5 राउंड कंप्लीट करने हैं, यानी कि हमारे ये टोटल 8 राउंड होंगे। तो हमें अभी यहाँ पर 4 हो गए हैं, 4 और कंप्लीट करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे जोड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा शौक से बड़ा बनाना है, 1.5 या 2 साल के बच्चे का, तो आप इसमें 2 राउंड और बढ़ा लीजिए, और अगर थोड़ा छोटा बनाना है तो आप इसको 1 राउंड कम कर लीजिए, लेकिन वो ढीला हो जाएगा अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो। 1 साल के बच्चे का है ये। अब हम यहाँ पर फिर से चैन बनाएंगे। हमें यहाँ पर 15 की सिंपल चैन बनानी है, यानी कि 15 बार हमें सिंपल चैन निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एड़ी का पोर्शन अलग करेंगे, इस वजह से हमें यहाँ पर सिंगल 15 चैन निकालनी है। हमें यहाँ पर एड़ी का पोर्शन अलग करना है, तो यहाँ पर हम 15 सिंगल क्रोशिया बिनते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले क्रोशिया स्वेटर डिज़ाइन रेसिपीज़ के वीडियो देख सकें। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमें यहाँ 15 चैन स्किप करनी है, यानी कि हमें 15वीं जो चैन है उसमें हमें यहाँ पर अटैच करना है। इस तरह से सिंगल चैन से अटैच करेंगे। इसको अटैच करते हुए ये देखिए, ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। 15 सिंगल चैन बनाने के बाद 15 स्किप करेंगे और 15वीं चैन में हम इसे जोड़ देंगे और फिर हम इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल। फिर हम हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारे पास 15 चैन है और हमें यहाँ पर 15 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए चैन को कंप्लीट कर लेना है। 15 बनानी है, 15 चैन है, 15 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी 15 ट्रिपल क्रोशिया सीधी सीधी बन जाएंगी। इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर हर चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालिए। फिर हर चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए हमें इसे 15 बार बनाना है और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है, ये 15 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हो। अब हम इसके आगे वाले जो हैं उसमें 15 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जो हमने 15 स्किप किए थे उसमें हम हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए 15 कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो हमारे नीचे 30 थे उसको हमें यहाँ पर 30 बनाना है। आगे सॉक्स बढ़ाने के लिए हमें 30 बार पूरा करना है, जो हमने 15 चैन बनाई थी वो और जो हमारी 15 स्किप हुई थी वो मिलाते हुए हमें यहाँ पर 30 ट्रिपल क्रोशिया को कंप्लीट कर लेना है। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है और कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आएंगे हम कंप्लीट करते हुए।
अब हमें ये वाला जो क्रीम ऊन है हमको अलग कर लेना है, क्योंकि हमें इसे ऊपर जोड़ना है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से पहले की तरह अटैच करेंगे, एक बार उसी ऊन से हम इसको अटैच करेंगे जो हम कल हमें कलर चेंज करना है वो वाले से। पहली चेन पे हम आते हुए ऊन को निकालेंगे और अटैच कर लेंगे। इस तरह खींच दीजिए। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब हम यहाँ पर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 30 बार ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है, यानी कि हर चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये बहुत ही इजी है बनाना। अगर आप नया नया क्रोशिया बनाना सीख रहे हैं तो ये आप आराम से बना लेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्रोशिया के डिज़ाइन लेकर आऊँगी जो आपको बहुत पसंद आएंगे। हर एक चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया निकालते हो, हमें इसे यहाँ तक लाना है, लास्ट कॉर्नर तक अपने। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम उसे दूसरे कलर से अटैच कर लेंगे। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और हम हर एक चैन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह निकालिए और कंप्लीट कीजिए। हमें इसके 5 राउंड बनाने हैं। जो हमारा 5वां राउंड है वो बॉर्डर में चला जाएगा, तो हमें टोटल इसके 5 राउंड बनाने हैं। यहाँ पर मैंने 2 बना लिए, 3 मैं और बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हम 5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं इसके। सेम बनेंगे, कुछ नहीं करना, हर एक चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके राउंड अब हम कंप्लीट करके देखते हैं आगे बॉर्डर कैसे बनेगा। यहाँ पर हमें 5 राउंड कंप्लीट करने हैं सेम, हर एक चैन में ट्रिपल क्रोशिया निकालते हुए। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा राउंड फिनिश हो गया है, मैंने दूसरे कलर से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। क्रोशिया अलग अलग डिज़ाइनों में अलग अलग तरीके से चलाई जाती है। यहाँ पर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमें ट्रिपल क्रोशिया को आगे पीछे करना पड़ेगा, यानी कि हमने सबसे पहले बनाई, फिर हम इसको इस तरह लेंगे ऊन, और हम इसको जो हमारी पहली चैन है उसमें आगे से पीछे करते हुए फिर आगे करते हुए हम इसको ऊन में लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसको पीछे से आगे की तरफ करते हुए, आगे से पीछे की तरफ करते हुए क्रोशिया निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम पीछे करते हुए, फिर आगे करते हुए, फिर ऊन लेते हुए, फिर ऊपर करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम पीछे करते हुए क्रोशिया को, फिर आगे करते हुए, फिर पीछे करते हुए ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरह हम अपने राउंड कंप्लीट करेंगे। हर बार हमें क्रोशिया को आगे से पीछे, पीछे से आगे करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर पीछे वाली जो दूसरी चैन है हमें उसको आगे करते हुए, फिर पीछे करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। यह हमारा बॉर्डर बनाने का तरीका है। क्रोशिया में बॉर्डर इसी तरीके से बनता है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से, लेकिन सॉक्स में तकरीबन ऐसे ही बनाते हैं। अगर आप किसी बेटी का बना रही हैं तो आप इसमें लेस लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं। ये मैं बॉयज़ का बना रही हूँ तो मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। इस तरह आप क्रोशिया को आगे पीछे करते हुए बॉर्डर बना लीजिए। हम इसका ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे। मैं इसका 2 बार बना के बॉर्डर कंप्लीट करूँगी।
यहाँ पर हमारा दूसरा राउंड चालू हो गया है। क्योंकि ये छोटा सॉक्स है तो मैं इसका दो ही बार बॉर्डर कंप्लीट करूँगी। और फिर से ट्रिपल हमारा वायर क्रीम का काम ख़त्म हो गया, हम इसे हटा देंगे अब और हम इससे अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। सेम करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही बिनना है। ट्रिपल क्रोशिया सबसे पहले बिनेंगे, फिर क्रोशिया को हम पीछे की तरफ करते हुए, फिर आगे की तरफ करते हुए उंगली लेते हुए और ट्रिपल क्रोशिया बिन देंगे इस तरह। फिर से हम क्रोशिया को पीछे की तरफ करेंगे और आगे की तरफ करेंगे और फिर पीछे की तरफ करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बिन देंगे। फिर हम क्रोशिया को आगे की तरफ से पीछे की तरफ करेंगे, फिर आगे की तरफ करेंगे, फिर बिन देंगे। हमें इस तरह अपना बॉर्डर कंप्लीट करना है, आगे पीछे करते हुए क्रोशिया को। इससे यहाँ से बॉर्डर टाइट हो जाता है और सॉक्स उतरेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा वो अच्छे से। इस तरह हमें अपना पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। आगे से पीछे की तरफ ले जाके क्रोशिया, फिर पीछे से आगे की तरफ से लाते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। हम अपने बॉर्डर को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये कितना प्यारा सा लग रहा है। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर बांध देंगे। एक और बार चैन बनाइए इसके ऊपर, सिंगल चैन, और ऊन को अलग कर दीजिए। ऊन थोड़ा लंबाई में काटिए ताकि उसको पीछे की तरफ बांध दिया जाए, वरना यहाँ से गिठा खुल सकती है। दो तीन बार पीछे वाले जो हमारे चैन हैं उनके अंदर मोड़ दीजिए इस तरह। और अब हम यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा पोर्शन ऊपर और नीचे का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एड़ी की तरफ आना है। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। एड़ी के लिए हमें क्या करना है, एड़ी के लिए हमें सबसे पहले एक चैन तैयार करनी है इसके ऊपर जो सिंगल बनेगी। यानी कि हमें एक सबसे पहला जो चैन है उसे स्किप करना है और स्किप करते हुए हमें इसे क्रोशिया को चैन में बांधना है। यहाँ पर पहला स्किप करेंगे, दूसरे पे हम बांधेंगे और दो सिंगल चैन बनाएंगे। दो सिंगल चैन बनाएंगे, पहले एक बांधेंगे उसके बाद एक और सिंगल चैन बनाएंगे यहाँ पर हम। अब हमें हर एक चैन में एक सिंगल चैन बनाते हुए 15 चैन नीचे और 15 चैन ऊपर बनानी है। यानी कि हमें टोटल यहाँ पर 30 चैनें फिर से बनानी है। लेकिन यहाँ पर हमारी सिंगल चैन बनेगी। एक बार हमें सिर्फ इसको लेते हुए कंप्लीट करना है, एक बार लेना है और कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारी सिंगल चैन बनेगी और 30 बार बनेगी, 15 नीचे और 15 ऊपर के। इस तरह कंप्लीट करेंगे हम सिंगल चैन बनाते हुए। ये देखिए ये हमने इस तरह पूरी चैन कंप्लीट करनी है लास्ट कॉर्नर तक हमारे। यहाँ तक हमें पहुँचना है, जहाँ पर हमने स्किप किया था चैन वहाँ तक हमें आना है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे फिर से अटैच कर लेते हैं अपने लास्ट वाली चैन के साथ में। अब यहाँ पर आप जो है ये वाला जो राउंड है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस राउंड को आप बिल्कुल भी स्किप भी नहीं कर सकते हैं और इसको आप ध्यान से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस एरिया को क्लोज करना है। अब जो हमारी एड़ी की एरिया है उसे हमें अब क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिंगल क्रोशिया बिनते हुए जाना है। पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिंगल क्रोशिया बिननी है और वहाँ तक हमें पहुँचना है इस तरह।
पहले कॉर्नर से हमें दूसरे कॉर्नर तक पहुंचना, नीचे वाली ही कॉर्नर की बात कर रही हूँ, पूरा राउंड आपको कंप्लीट नहीं करना है। जो हमारे 15 हैं नीचे वाले, उसी के पहले कॉर्नर से हमें दूसरे कॉर्नर, नीचे 15 तक जो हैं वहीं तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों जो कॉर्नर है हमारे, दोनों कॉर्नर से हमें यहाँ पर क्लोज़ करना है। इस वजह से हम पहले कॉर्नर पर आते हैं और एक इधर का और एक बीच का और एक दूसरे कॉर्नर का हमें 15 बिनना नहीं है चैन, और हमें इस तरह चढ़ा लेनी है क्रोशिया पे। चार चैन हमें यहाँ पर चढ़ानी इस तरह, 1 2 3 4। अभी हमें इसे एक साथ बिन देना है, फिर हम इसके आगे वाली चैन बिनेंगे, फिर हमें दूसरे कॉर्नर तक जाना है। दूसरे कॉर्नर तक जाइए बिनते हुए सिंगल चैन, यहाँ तक आइए, बिन लेते हैं सिंगल चैन। यहाँ पर हम दूसरे कॉर्नर, अब हमारा एक इस कॉर्नर का, एक बीच का और एक दूसरे कॉर्नर का जो है, एक एक हम ले लेंगे चैन। एक ले ली, फिर हमने दूसरी ले ली, फिर हमने तीसरी ले ली, तीन चैन ले ली और एक हमारी जो चैन थी क्रोशिया में, चार हो गई। अब हमें एक साथ बिन देना है सिंगल चैन में, सिंगल चैन में हमें इस तरह बिन देना है। तो यहाँ पर हमारे तीन चैन एक साथ घट गई, अब हमें फिर से सिंगल चैन बिननी है इसके आगे वाली चैन में। कोई फंदा हमें स्किप नहीं करना है, फिर हमें सिंगल चैन बिनते हुए अपने दूसरे कॉर्नर तक पहुंचना है। दूसरे कॉर्नर तक पहुंचिए, यहाँ तक, यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हमें वही करना है, एक इस कॉर्नर का, एक बीच का और एक दूसरे कॉर्नर का लेते हुए हमें बिनना नहीं है तीनों, पहले तीनों हमें उठा लेने हैं क्रोशिया में और फिर हमें एक साथ सिंगल क्रोशिया बिन देनी है। चार चैन हो गई हमारी यहाँ पर और हमने एक साथ बिन दी, फिर हमने इसके आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बिनते हुए हमें दूसरे कॉर्नर तक जाना है, यहाँ तक हमें यहाँ तक आना है सिंगल क्रोशिया बिनते हुए, और हमें इसके 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। सिंगल क्रोशिया बिननी है और 6 राउंड कंप्लीट करने हैं, हर कॉर्नर पर हमें 3-3 घटा देने हैं और इस तरह हमें बिनते हुए इसके 6 राउंड कंप्लीट करने। 2 हमारे हो गए हैं और 6 हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 4 और बिनने हमें, तो हम बिन लेते हैं। यहाँ पर हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए, अब हमें यहाँ पर ऊन को इस तरह से नीचे की तरफ करते हुए ज्वाइंट करना है, यानी कि पहले हम एक लंबा फंदा कर लेंगे और फिर हम उसको ऊन को उतना काटेंगे कि हमारा नीचे का पूरा बिन जाए, उतना हटा दीजिए। और अब हम इसे अंदर की तरफ ले लेते हैं एड़ी को, और दोनों को इधर निकाल लेते हैं, अपनी चैन को और अपने ऊन को इस तरफ निकाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर जितने भी फंदे बचेंगे 4 या 5, आप उनको एक साथ लेकर अटैच कर दीजिए। पहले सीधा कर लेते हैं, कहाँ से आएगा इस तरह, हम इसको सीधा करते हुए यहाँ पर जाएगा हमारा इस तरह लेते हुए। अब हम इसे इस तरह लंबाई में कर लेते हैं और फिर हमें क्रोशिया पे लगाना है, और हमें हर एक दोनों तरफ का एक एक फंदा एक साथ चैन में लेना है क्रोशिया में, और सिंगल चैन बिननी है। बराबर कर लीजिए, फिर हमें दोनों तरफ से इधर से सला उधर से क्रोशिया को उस तरफ करते हुए हमें दोनों को एक साथ बिन लेना है, इस तरह निकालना है। यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है, यानी कि तो हमें इस तरह लेते हुए क्रोशिया को और सिंगल क्रोशिया बिन लेनी है। फिर इसके आगे वाले में दोनों को तरफ से लेना है एक एक चैन और सिंगल क्रोशिया बिन देनी है। फिर हमें इसके आगे लेना है और सिंगल क्रोशिया बिन देनी है। यहाँ पर हमारे 4 से 5 होंगे तो हम उनको पूरा सिंगल क्रोशिया बिन देंगे और उसको वहाँ से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमारा ज्वाइंट हो चुका है और यहाँ पर हमारा
ये फिनिश हो चुका है, हमारा सॉक्स पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको हम अंदर की तरफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सॉक्स बन गया है आपका, ये देखिए। यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और हमारा यहाँ पर सॉक्स कंप्लीट है। अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो इसमें डोरी लगा सकते हैं बॉर्डर के नीचे वाली लाइन में। यहाँ पर हमारा सॉक्स कंप्लीट हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से दिखाई देगा। दो कलर में बहुत प्यारा लग रहा है, आप अपने मन के कलर लगाइए। इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं आप, आपको जो कलर पसंद हो आप वो इस्तेमाल कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।